नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट ऑनलाइन सीरीज की तलाश में है, तो दोस्तों यूपी परीक्षा ऐप देखिए आप सभी छात्रों के लेकर आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। और इसमें किसी भी कोर्स को अगर आप परचेस करते हैं तो दिए गए ये कूपन कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो 40% की फ्लैट छूट आपको मिलेगी और काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। और डेमो टेस्ट फ्री है और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप डेमो टेस्ट जरूर दीजिए। डेमो टेस्ट देने के बाद ही इस पर विचार करिए कि टेस्ट सीरीज आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज पार्ट टू है। लेकिन इससे पहले पार्ट वन मैंने आप सभी छात्रों से एक सवाल पूछा था, जो होमवर्क टाइप का कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए छोड़ा था, आप में से सभी छात्र काफ़ी छात्रों ने इसका सही जवाब दिया, मैक्सिमम लोगों ने। और यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है, देखिए वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें भूपेन हजारिका जी, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी जी हैं, जबकि सफाउल्ला खां नहीं है। इसका राइट आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि बहुमूल क्वेश्चन, अगर आपने पार्ट वन ना देखा हो तो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आज यहाँ से स्टार्ट है। जिंदगी नामा नामक उपन्यास की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों जिंदगी नामा उपन्यास जिन्होंने लिखा था वो थी कृष्णा सोमती जी, और इनको 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो इनका ये निधन हो गया है इनका, कृष्णा सोबती जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या कह रहा है। 22-23 जनवरी 2019 के मध्य किसके द्वारा प्रथम तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल आयोजित किया गया। तो रक्षा अभ्यास उस भी क्वेश्चन बन के आएंगे आपके। तो दोस्तों सी विजिल देखिए आयोजित किया गया था, वो था भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का क्या नाम है, जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया है। तो दोस्तों जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कलाम सेट। ठीक है, कलाम सेट ये नाम है जो कि विश्व का सबसे छोटा और हल्का सैटेलाइट है और भारत के छात्रों द्वारा बनाया गया है। 12 जनवरी 2019 को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीफो ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लीजिएगा, आने के 100% चांसेस हैं इसके, डीफो ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया, यह किस राज्य में स्थित है। तो 18 जनवरी 2019 का डीफो ब्रिज, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। डीफो ब्रिज कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। आतंकवाद छोड़ वर्ष 2004 में सेना में शामिल हुए शहीद लांस नायक नजीर वानी मरणोपरांत को गणतंत्र दिवस के मौके पर निम्न में से किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो इनको दिया गया है मरणोपरांत, तो वो है आपका अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। और ये आतंकवाद छोड़कर ये सेना में शामिल हुए थे, तो काफ़ी ये चर्चा में रहा था ये घटनाक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 जनवरी 2019 को विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति मसाजो नोनाका, ये विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे मसाजो नोनाका, इनका निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। ठीक है, मसाजो नोनाका कहाँ के हैं, जापान के हैं, जो कि विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, जापान से संबंधित थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हाल ही में किस देश के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। तो दोस्तों वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, निकोलस मादुरो, नाम भी ध्यान रखिएगा, नाम से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के साथ इन्होंने राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 39 क्या कह रहा है। जनवरी 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम, ठीक है, अभी तक इसमें कोई पूर्ण बीटेक कार्यक्रम नहीं होता था, शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान है,
तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद ये पहला संस्थान है जो एआई में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राष्ट्रीय स्मारक स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय स्मारक स्थल है जहां पर इन्होंने ऐसे किया? तो दोस्तों वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। ठीक है, लाल किला में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। चलिए, भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को मटेरियल रिसर्च के लिए पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका प्रोफेसर CNR राव। ठीक है, प्रोफेसर CNR राव जी को चुना गया है। चलिए, जनवरी 2019 में कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी? तो आई थिंक ये जवाब आप सभी छात्रों को बताना चाहिए, ये भी काफ़ी सुर्खियों में था, न्यूज़पेपर में है, काफ़ी ये आपके कह सकते हैं माउंट पेर ये फतेह कर चुकी हैं, ये IPS महिला IPS अधिकारी हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सही जवाब बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हुआ राइट आंसर, आप कमेंट करेंगे ABCD में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर 2018 चुना गया? तो ऐसे कौन से जो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो इनको जो चुना गया है वो दोस्तों ऋषभ पंत। ठीक है, स्पोर्ट्स से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं यहाँ पर। 20 जनवरी 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे, ठीक है, रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों देश का दूसरा औद्योगिक रक्षा गलियारा था, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 22 जनवरी 2019 को विधानसभा में पिछली बार के 80,200 करोड़ के मुकाबले कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है तो जो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 85,429 करोड़। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, स्टेट विशेष से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 देखिए क्या कह रहा है, जनवरी 2019 में चांदीपुर ओडिशा में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCS द्वारा हवा से हवा विमान, ध्यान रखिएगा ये हवा से हवा विमान करने वाला है, मिसाइल को दागा जा सकता है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से, यह किस श्रेणी का हेलीकॉप्टर है? तो ये दोस्तों जो श्रेणी का हेलीकॉप्टर है आपका 5.8 टन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से किस BJP सांसद को ज्यूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चर्चा में रहा था ये। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर BJP के हैं सांसद और उनको मिला है सांसद रत्न पुरस्कार। जनवरी 2019 में किस राज्य ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा जारी की है? तो दोस्तों वो राज्य है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य में ये शौर्य पुरस्कार छात्रों को मिलेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है? अब दोस्तों कितने प्रतिशत महिलाओं की भर्ती घोषणा की गई है यहाँ पर, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए, 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 20 जनवरी 2019 को संपन्न टाटा मुंबई मैराथन 2019, ठीक है, टाटा मुंबई मैराथन 2019 में स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग में किसने जीता? ऑप्शन ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से है। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका कॉस्मोस लगाट। ठीक है, कॉस्मोस लगाट। और दोस्तों ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये कीनिया के रहने वाले हैं। ठीक है, कॉस्मोस लगाट जिन्होंने ये मैराथन जीती है ये कीनिया के रहने वाले हैं। हाल ही में लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया, ये किस मठ के प्रमुख थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये किस मठ के थे, लिंगायत समुदाय संबंध रखने वाले थे, 111 वर्षीय। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर देखिए सिद्ध गंगा मठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध गंगा मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं,
हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने नागपुर मुंबई समृद्धि कॉरिडोर के लिए सर्वाधिक ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? तो दोस्तों, नागपुर समृद्धि कॉरिडोर के लिए जो सबसे ज़्यादा ऋण प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है वो है आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI ने ये सहमति व्यक्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा के किस मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर नासा ने शनि ग्रह के छल्लों की आयु 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताई है? ऐसा कौन सा मिशन है जो जारी किया गया था जिसने ये शनि ग्रह के छल्लों की आयु बताई है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन देखिए होप मिशन, वायर मिशन है, कैसिनी मिशन या चैपलर मिशन। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका कैसिनी मिशन, ठीक है, कैसिनी मिशन। आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने किस, यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है? तो दोस्तों 2014 के बाद से ये घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद 15, 16, 17, 18 चार अवार्ड एक साथ यहाँ पर दिए गए हैं 15 से 2018 तक का। और यहाँ पर है तो वर्ष 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो वर्ष 2018 का जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है वो है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई सासाकावा, ठीक है, योहेई सासाकावा। अगर बात करें 2015 के गांधी शांति पुरस्कार अगर आपका आता है तो वो दिया गया है दोस्तों विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, 2015 का मिला है। 2016 की बात करें तो वो अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से 2016 का जो मिला हुआ है, 2017 का आपका मिला हुआ है एकई अभियान ट्रस्ट को, और 2018 का योहेई सासाकावा को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पहलवान ने प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है आपका वो है विनेश फोगाट, ठीक है, विनेश फोगाट ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है नॉमिनेट होने के लिए। 16 जनवरी 2019 को संपन्न इटालियन फुटबॉल सुपर कप सुपर कुप्पा इटालियाना का खिताब किसने जीता? तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका। तो दोस्तों ये जो खिताब जीता है वो है आपके जेवेंट्स, ठीक है, जेवेंट्स, इन्होंने ये खिताब, जेवेंट्स की जो टीम है ये खिताब इसने जीता है सुपर कुप्पा इटालियन का खिताब जेवेंट्स। 20 जनवरी 2019 को संपन्न मलेशियाई मास्टर 2019 बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मलेशिया मास्टर 2019 बैडमिंटन प्रतियोगिता का जो पुरुष एकल वर्ग का विजेता है दोस्तों वो राइट आंसर है यहाँ पर आपका सोन वान हो, ठीक है, सोन वान होन ये है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 क्या कह रहा है। किस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी कर्ज माफी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना का औपचारिक शुभारंभ किया? तो ऐसे कौन सा राज्य है जिसने ये घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश में जो ऋण माफी योजना चली है उसका नाम क्या है, जय किसान ऋण मुक्ति योजना, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, कथन कारक पे हैं यहाँ पर, कह सकते हैं एक क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। जनवरी 2018 में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, सर 2018 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए पूरा ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। यह रिपोर्ट ग्रामीण भारत में 3 से 16 वर्ष के बच्चों के स्कूल में नामांकन पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष के बच्चों के पढ़ने और गणित की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। वर्ष 2007 से अब तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन का प्रतिशत 95 से अधिक रहा है, या वर्ष 2018 में देश भर में 11-14 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत 10 था? तो दोस्तों ये जो वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जारी की गई 2018 बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सही है, यहाँ पर कथन सही नहीं है, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही नहीं है, जबकि ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही है। और डी क्या कह रहा है कि 18 देश भर में 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले लड़कियों का प्रतिशत 10 था, ये गलत है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे तो आपका अपन कवर जाएगा यहाँ पर। हाल ही में विकासशील देशों के समूह G77, ठीक है, G77 की वर्ष 2019 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी की गई है? ठीक है, किस देश को ये अध्यक्षता सौंपी गई है, कौन इसकी करेगा मेजबानी? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन है। तो दोस्तों ये था आपका इम्पोर्टेंट जी एस
के अंतर्गत करंट अफेयर्स का टेस्ट टू, और इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मिलेंगे, साथ साथ अन्य सब्जेक्ट पे भी, आपके जीके को हो गया, ग्रामीण विकास में हो गया, बात करें जहाँ मिलते हैं। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, अपने जो भी वैल्यूएबल कमेंट हो कमेंट दें, और एक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि उसका क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में सीखता है, वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।